ये फ्रूट्स तो मेरे लिए लाई। हाँ, कल रात को आपने मेरे लिए फेवर किया तो मैंने सोचा मुझे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कल जिस तरह मैं तुम्हारे लिए जादू बन गया था उसी तरह तुम मेरे लिए फल वाली बनी हो। जोक था? था तो बहुत बुरा था। नेवर माइंड, इसमें मेरा भी शेयर है। शेयर से याद आया, हमारे उस 50-50 के डील का क्या हुआ? देखिए, मैंने कल कह तो दिया 50-50, लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैंने डिसाइड किया कि 70-30 से 1% ज्यादा नहीं मिलेगा। तुम 70-30 में मेरा 30 सही कुछ तो आ रहा है। एक मिनट, 70-30 भी फाइनल नहीं है, वो मैं डिसाइड करूंगी कि आपको 30% देना है कि नहीं देना। मतलब? हेलो, देखो तुम अगर बॉस हो तो तुम्हारे जो ऑर्डर वॉर्डर ना घर पे चलेंगे। बॉस से याद, अगर तुम बॉस हो तो मैं भी हस्बैंड हूँ, मेरी भी चलनी चाहिए। आप हस्बैंड है तो मैं भी वाइफ हूँ आपकी, अर्धांगिनी। वर्गिनी? मतलब जो भी आपका है वो आधा मेरा है, जो मेरा है वो आधा आपका है। मतलब वैसे भी 50-50 करेंगे हम? हाँ, लेकिन एक शर्त, आप मुझे बताएंगे कि आप वो पैसे कहाँ और कैसे खर्च कर। बॉस होकर भी क्या मतलब, वो तो टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ ना, हर चीज में कंडीशन सप्लाई। अब क्या कर सकते, बेचारा हस्बैंड जो भी होता है उसे ऐसे ही हाथ आगे बढ़ाकर डील फाइनल करनी पड़ती है। डील? अरे मैंने कहा ना उसमें मेरा शेयर। हाँ तो पहले मैं अपना 50 तो ले लूं। क्या कर रही हो तुम, मोटी हो गई क्या? मैंने कहा ना मेरा शेयर है। ऐसे शेयर, ये तो 100% मेरा। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, ढोलना में तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं हो छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू ना छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तनु, मुझे पता है तूने अभी से पैसों की बात करनी है, पर बेटा थोड़ा सब्र कर अभी। नहीं, मैं तो इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी जरूरत कौन सी आ पड़ी है तुझे पैसों की, कर लेना बात। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी की सारी खुशियां उस तिजोरी में बंद है, वो खुलेगी तो प्रज्ञा और उसकी माँ के लिए बाहर जाने का दरवाजा भी खुल जाएगा, और फिर उनके जाने के बाद मैं इस घर की बहू प्लस नई मालकिन। पहले नाश्ता तो कर ले। मुझे भूख नहीं है दादी, और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे मना किया ऑयली खाना खाने से। ये तो बड़ा अच्छा हुआ जो तुझे डॉक्टर ने ऑयली खाने से मना कर दिया, अब कुछ भटूरे बच जाएंगे जो बाद में हमारे ही काम आएंगे। सच में ये भटूरे और छोले तो कमाल के, मुझे नहीं लगता कि आज मैं रुकने वाला हूँ। वैसे आज मैं बनाने वाले के हाथ को पप्पी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसी ने बनाया। आज सर लांटी ने मुझसे खाना बनवाया सर, एक्चुअली क्या है वो मुझे बताती गई और मैं बनाता गया। अच्छा हुआ सर आपने हाथ चूमने से मना कर दिया, कैसे करते, मैं तो ग्लव्स पहनता हूँ ना। Cheers, chairs, chairs and tables. अब लग रहा है कि नाश्ता हो रहा है पंजाबी स्टाइल। Cheers everyone. मजा आ गया। अब मुझे भी थोड़ी मजे लेने दो, जल्दी चले। ये इतनी डेस्परेट क्यों हो रही है पैसों के लिए? चले अर्धांगिनी।
आप लोग सब चलिए ना, क्योंकि मैंने अगर अकेले में बंटवारा किया तो ये कह सकते ना कि मैंने चीटिंग कर ली। लेकिन अगर आप सब गवाह होंगे तो ये अपनी बात से मुकर नहीं पाएंगे। वेरी गुड प्रज्ञा, अपना और अपनी माँ का तमाशा देखने के लिए तुमने खुद ही सारी फैमिली को इनवाइट कर दिया। हाँ हाँ चलिए, बहुत मजा आएगा। पैसे गिनने में मजा किसको नहीं आता है? And I think, अभी को जब पैसे मिलेंगे तो वो सबको देगा शॉपिंग करने के लिए। और मुझे लगता है जब अभी को पैसे मिलेंगे ना तो मेरा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, चले। इसलिए बोलता हूँ खाने के बाद डकार मार लिया करो। ये तनु कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही, करना क्या चाहती है इन पैसों का? मजाक कर रही हो क्या? पैसे कहीं और रखकर तिजोरी क्यों दिखा रही? आप मुझे यही रखे थे पता नहीं। मुझे लगता है मम्मी जी हमारी जगह किसी और ने प्रज्ञा की तिजोरी में झाड़ू मार दिए। सोती रह तू, कहा था मैंने तुझसे, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सेम टू यू, सोती रहती है खाली। कर यही रखे थे तो कहा गए? वो मैं पैसे मैं देखती हूँ अभी। तो सच में पैसे नहीं, अभी कहाँ गए 1 करोड़ रुपए? इसी में रखे थे। तो अगर यही रखे थे तो कहाँ जा सकते? तिजोरी निकल गई या ब्रीफकेस खा गया? तुमने रखे थे या नहीं? नहीं, इसी तिजोरी में रखे थे पैसे, मुझे नहीं पता कहाँ चले गए। और इसकी चाबी किसके पास थी? वो हमेशा मेरे पास ही रहती। चाबी तुम्हारे पास थी जब पैसे तुमने रखे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ पर है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पैसे रात को घूमने चले गए हो फिर सुबह को वापस आ जाए। किसी ने लिए होंगे तभी नहीं है ना यहाँ पर। तनु ये क्या बोल रही है तू? वही कह रही हूँ जो सच है, जो हो रहा है। 1000-2000 की बात नहीं है, जो गिनती में इधर उधर हो गए तो चलेगा। 1 करोड़ रुपया गायब हुआ है। और इतने पैसे गायब भी हो सकते, चोरी हो सकते। अब तिजोरी बंद है, तिजोरी की चाबी प्रज्ञा के पास है, तो ये तो प्रज्ञा को ही पता होगा कि पैसे गए कहाँ। मैंने कल पैसे इसी तिजोरी में रखे थे, कहाँ चले गए? तो ये तो कंफर्म है कि चोरी हुई है। अब देखना ये है कि कैसे, मतलब इस रूम में सिर्फ प्रज्ञा आ सकती, चाबी सिर्फ प्रज्ञा के पास थी, तो प्रज्ञा को पता होना चाहिए कि पैसे चोरी किसने की और कैसे। कैसे? क्या भाभी आप ही पूछ रही कैसे? इस रूम में सिर्फ प्रज्ञा आ सकती, तो जाहिर सी बात है कि चोरी प्रज्ञा ने की है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती, किसी की जान भी ले सकती है। तनु इसे सच में पैसों की फिक्र हो रही है, क्योंकि ये जानती है कहीं ना कहीं उन पैसों पर मेरा भी हक है। प्लीज याद करने की कोशिश करो कि तुमने पैसे कहाँ रखे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। हाँ प्रज्ञा तू परेशान मत हो, जब तूने पैसे चुराए ही नहीं है तो तू इतना घबरा क्यों रही है?